सब्सक्राइब कीजिए बाय स्टडी विथ निखिल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड वेलकम टू द अनर वीडियो सो हम देखने वाले हैं अभी चैप्टर नंबर फिफ्टीन जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम एटम का स्ट्रक्चर देखना है एंड न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर कैसा है वो देखना है ओके सो देर आर सर्टन लॉज सर्टन मतलब क्या हम कह सकते हैं थ्योरीज ओके सो दिस थ्योरीज आर यूजली आस्क इन एग्जाम फॉर टू मार्क्स एंड सर्टन पॉइंट्स ओके पॉइंट्स रिलेटेड टू द न्यूक्लियस एंड अदर थिंग्स ओके यूजली आस्क एंड ऑल्सो द पार्ट ऑफ एन मॉडर्न फिजिक्स इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एन मॉडर्न फिजिक्स सो इट इज़ अ इंपॉर्टेंट चैप्टर इन केस ऑफ एन मतलब ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है ओके सो वीडियो को लास्ट तक दिखिए और इससे पहले अपने चैनल पर जो कोई भी वीडियो अपलोड की हुई है वो भी देख सकते हैं आप आपके जो एग्जाम है उससे पहले आप मतलब आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का ओके सो आप यू कैन सी दैट ओके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर सो आपको तो सबसे पहले तो ये तो पता होगा अभी आप ट्वेल्थ के इस मतलब ट्वेल्थ के क्लास में तो सबसे पहले तो आपको तो एटम मतलब क्या है एंड अदर थिंग्स ऑल दिस थिंग्स आर नोन टू यू ओके सो इसमें थोड़ा सा मैं मतलब फास्ट भी लूंगा एंड इम्पॉर्टेंट है वो सभी चीज़ में बता दूंगा सो so, ये इलेवन के केमिस्ट्री uh, के चैप्टर है उसमें भी इलेवन का केमिस्ट्री का चैप्टर है उसमें भी ये क्लियर हुआ है आप उसको भी लिंक करके देख सकते हैं ओके सो इट इज इट इज लिंक विद डैट ओ ओके सो वहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंस है यहाँ पर कौन सा डिफरेंस है ये भी आपको बता दूंगा ओके okay. सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स ओके वट इज मेड माई मॉडल्स मॉडल्स मतलब क्या कि, कि आइटम को रिप्रेजेंट कैसे किए ओके हाउ द आइटम इज रिप्रेजेंटेड सो उसका मॉडल क्या है मतलब उसका मॉडल मतलब उसको कैसे देख सकता है ओके okay. जैसे कि हम कहते हैं रोल मॉडल ओके उसी तरीके से मॉडल क्या है सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे मॉडल्स है उसमें का एक है थॉम्सन मॉडल सो थॉमसन मॉडल मॉडल ऑफ एटम एंड इट्स ड्रॉबैक्स सो थॉम्सन मॉडल क्या कहता है कि द स्ट्रक्चर ऑफ एटम ओके स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब क्या एटम का स्ट्रक्चर एटम इज एन सो सबसे पहले किसने दिया था ये भी देख लेते हैं इट इज द फर्स्ट फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम विद अ सब स्ट्रक्चर वॉज पुट फॉरवर्ड बाय जे जे थॉम्सन मतलब क्या उसमें ये पहला मॉडल था उसमें और इसमें थोड़े से जो सबस्ट्रक्चर है उसके जो पार्ट्स है वो भी जे जे थॉमसन ने बताए हुए थे अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एटम इज कंसिस्ट ऑफ द स्पियर मतलब एटम क्या है एक स्पीय जैसा है स्पीयर जस्ट लाइक ले, जस्ट लाइक बॉल ओके लाइक जस्ट लाइक वाटर मेलन ओके जहाँ पर मोस्टली इंपॉर्टेंट हैंडमेर के लिए वाटर मेलन लाइक ओके सो इट इज़ अ लाइक यूनिफॉर्म ओके यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रॉन्स इन इमिडियड इन सच ओके इन सच दैट द एटम्स आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल एंड स्टेबल मतलब ये क्या बता रहा है कि इट इज अ स्पीयर स्पीयर कैसा इट इज अ स्पियर स्पीयर लाइक वाटर मेलन ओके इट जो रेड पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ द वाटर मेलन है रेड पार्ट ऑफ द वाटर मेलन है इट इज इट इज लाइक इट इज अ पॉजिटिव ओके ओके उसकी तरह से कैसा है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रहते हैं न्यूक्लियस में एंड सॉरी आइटम में एंड uh, जो जो आपके बीज रहते हैं सीड्स इन दाटर मेलन वो कैसे uh, मतलब रेड पार्ट में इमीडिएट है तो उसी तरीके से क्या क्या कर रहा है कि एटम्स ओके एटम के अंदर एटम इज अर स्पीय लाइक है वाटर मिलॉन एंड पॉजिटिव चार्ज इज लाइक अ रेड पार्ट ऑफ एन मतलब रेडिश पार्ट ऑफ एन वाटर मिलान एंड उसमें क्या है इमीडिएट इलेक्ट्रॉन्स है ओके सो इमीडिएट इलेक्ट्रॉन्स एंड ये क्या कर रहा है कि दोनों न्यूट्रल है मतलब न्यूट्रल क्या है इलेक्ट्रिकल इक्वल इक्वल अमाउंट के होने के कारण दो क्या है दोनों भी क्या है न्यूट्रल है ओके सो इट इज न्यूट्रल बट इसमें क्या है ड्रॉबैक्स क्या है ओके okay, इसके ड्रॉबैक्स क्या है सो ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मेथड इज सबसे सबसे पहले तो ये है, सबसे पहले तो ड्रॉबैक है इंपॉर्टेंट कि कि स्टेप कि जो अल्फा एंड मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्फा पार्टिकल रहते हैं वो स्कैटर होते मतलब अगर हमने अल्फा okay, पार्टिकल की रेज ली ओके अल्फा पार्टिकल एंड पार्टिकल यानी छोटा छोटा ओके सपोज लाइक जिस तरीके से हम रेत को फेंकते हैं ओके रेत मतलब अपनी जो बा, बालू बाड़ू है ओके okay, बालू है उसको अगर हमने फेंका ओके okay, उसी तरीके से क्या रहता है अल्फा पार्टिकल रहेंगे उसको अगर हमने फेंका ओके okay, तो so ये स्कैटर नहीं होता है ये एक पॉइंट है एंड सेकंड पॉइंट देर इज अ स्पेक्ट्रा ओके स्पेक्ट्रा ऑफ द वेरियस एलिमेंट मतलब क्या इट इज फेल टू ऑब्सर वेरियस स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रा मतलब क्या रहता है इट इज अ ग्रुप ऑफ लाइट्स ओके ग्रुप ऑफ लाइट्स कह सकते हैं और ग्रुप ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ओके स्पेक्ट्रा को ध्यान में रखिए इसी बाद में क्लियर कर दूंगा ओके सो थॉमसन मॉडल था इसके बाद था रुदरफोर्ड मॉडल ओके रुदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया था रुदरफोर्ड मॉडल वॉज अ मोस्ट मतलब क्या कह सकते इज अ मोस्ट एक एक्सप्लेनेबल पार्ट ऑफ द एटम मतलब ऐटम को एक्सेप्ट किया जा सकता है इस, इसके मॉडल से सो so, इसका मतलब इसका मतलब था कि न्यूक्लियस कंसिटॉप एन सेंटरली लोकेटेड न्यूक्लियस ओके सॉरी ऐटम कंस्टिटॉफे सेंटरली लोकेटेड न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट ओके इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट इन पर्टिकुलर ऑर्बिट ओके ये था इसने बताया था और इसमें यह बताया था कि न्यूक्लियस ओके न्यूक्लियस देर इज अ रिजिस्ट स्ट्रक्चर इन द एटम सेंटर इ लोकेटेड रिजिस्ट स्ट्रक्चर इन द्यूक्लियस विच इज कंसिड ऑफ एन पॉजिटिव चार्ज ओके विच इज पॉजिटिव इन नेचर ओके ऐटम हैज वेरी स्मॉल न्यूक्लियस एटम के पास वेरी स्मॉल न्यूक्लियस है वेरी स्मॉल कैसा है ये भी बता दूंगा कंटेंट द पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट मास इज कॉन्सेंट्रेटेड देयर मतलब क्या कहा गया है कि न्यूक्लियस के ऊपर ही पूरा का पूरा ऐटम का मास रहता है अब देखिए आइटम भी एक क्या है एक पार्ट एक पार्टिकल है या फिर कोई भी हो ओके सो उसके पास भी उसका मास है सो एटम के पास उसका मास कहाँ पर लोकेटेड है इट इज ऑलमोस्टली टोटल का टोटल मास कहाँ पर है न्यूक्लियस के पास है ओके okay, जो न्यूक्लियस की साइज़ है कम्पेयर टू द एटम के साइज़ सो न्यूक्लियस की साइज ट्वेंट पावर माइनस फिफ्टीन है एंड uh, जो अपना रेडियस ऑफ द एटम है मतलब ऐटम की साइज जो है पूरी की पूरी रेडियस ऑफ द एटम टू द ओके वो कैसा है टेंट टू पावर माइनस टेन सो टेन टू द पावर फाइव टाइम्स क्या है एटम ओके न्यूक्लियस से बड़ा मतलब ऐटम जो है टेन टू पार फाइव टाइम्स बढ़ा किससे न्यूक्लियस से सो टें फाइव टाइम्स बढ़ा न्यूक्लियस से सो so, सो so आप इसलिए कहा है कि वेरी स्मॉल न्यूक्लियस ओके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन द सर्कुलर ऑर्बिट ओके रिलेक्ट्रॉन्स कैसे उसके पास सर्कुलर ऑर्बिट है उसके पास रिवॉल्व होते हैं ओके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड निगेटिवली चार्ज द ओके सो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कीप्स द कीप्स द रिक्वायर मतलब क्या कहते हैं जो इलेक्ट्रॉटिक फोर्स है किसके बीच का पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन सो इसका जो इलेक्ट्रॉटिक फोर्स है ये हेल्प करेगा इसको बाइंड करने में ओके okay? नेक्स्ट है सिंस एन एटम सिंस एन एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल एटम क्या है एक इलेक्ट्रिकली पूरा का पूरा न्यूट्रल है क्योंकि जितने नंबर आप पॉजिटिव चार्ज रहेंगे उसके नंबर उतने नंबर साहब क्या रहते हैं निगेटिव चार्ज रहते सो ये क्या क्या करे इट इज अ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल सो इट मस्ट बी निगेटिव चार्ज ओके सो so, ये बता रहा है कि पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस मस्ट बी इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज इन दे को ओके सो ये ऐसा इस तरह सा जिस तरीके से रुदरफोर्ड का जो मतलब आ, जे जे थॉमसन का जो मॉडल है वो क्या कह रहा था इट इज अ सिमिलर टू वाटर मेलॉन सो रुदरफोर्ड का जो मॉडल है वो इट इज सिमिलर टू द इट इज सॉरी सिमिलर टू द प्लानिटरी मोशन मतलब अपना जो सोलर सिस्टम है उसकी तरह सोलर सिस्टम जिस तरह जिसे का उसी उसी तरीके से क्या रहता है एटम रहता है इसका ऐसा मानना है ओके okay? नेक्स्ट है एटॉमिक स्पेक्ट्रा एटॉमिक स्पेक्ट्रा यानी क्या रहता है ओके व्हाट इज मीन बाय एटॉमिक स्पेक्ट्रा सो व्हाट इज द इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ द सब्टेंस इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ द सब्टेंस क्या कहता है सो so, अभी आप, आपको बताइए इलेक्ट्रॉन क्या कहता है रिवॉल्व इन द ऑर्बिट ओके सो जब कभी भी रिवॉल्व करता है रिवॉल्व करता है उसके पास क्या है काइनेटिक एनर्जी है ओके okay. सपोज ये क्या कर रहा है ये ओके okay, उसके हायर लेवल से अगर लोअर लेवल में आ गया ओके हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में अगर आ गया तो क्या करेगा ये एनर्जी मतलब उसकी एनर्जी तो कम होगी ना यहाँ पर क्या होगी उसकी कम एनर्जी हो गई सो तो ये यह यहाँ पर ज्यादा एनर्जी थी तो यहाँ पर से आने के बाद उसकी एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी सो दिस एनर्जी इज लॉस्ट ओके सो दिस एनर्जी इज लाइज इन द डिफरेंट ओके अतः जो ये तो एक एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ओके सो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब क्या ये जो एनर्जी रिलीज करेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रहेगी सो दैट्स वाई देर इज अइ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेटेड सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब क्या आपको तो पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैगनेटिक मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन प्लस मैग्नेटिक कंपोनेंट उसमें रहते ओके सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट सो इट इज अ अपेक्ट्रम मतलब क्या अगर एनर्जी उतनी है अगर ज्यादा एनर्जी है सो फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी है, है नी सो so, हमें तो पता है ज्यादा फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी सो हमें पता है फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी सो जितनी ज्यादा एनर्जी रहेगी उतनी ज्यादा क्या रहेगी उसका रहेगा सो उसी तरीके से सो इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द सब्सटेंसेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि क्या जो स्पेक्ट्रा रहेगा ओके इमिशन स्पेक्ट्रा इट इज अथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब क्या इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहेंगे वेन हीटेड और बम्बार्टेड विद इलेक्ट्रॉन आ उसको हीट किया या फिर बंबार्ट किया ओके विद एंड पोटन मतलब उसके पास उसको अगर एनर्जी दी या फिर उसको कोई भी सपोज ओके डिस्ट्रीब्यूशन इज अरेज इन ऑर्डर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी उसको क्या किया इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ फ्रिक्वेंसी ओके लैमरा के साथ उसको अरेंज किया सो यू विल बी गेट द स्पेट्रा मतलब उसको हम स्पेक्ट्रा मतलब इज बैंड लाइक कंडीशन मिलेगी ओकेसम्परेचर okay. ओकेरेक्टरिस्टिक okay. मतलब है? Characteristic है. मतलब जो टेम्परेचर उसी टेम्परेचर के ऊपर उतनी ही हमें क्या मिलेगी इमिशन स्पेक्ट्रा मिलेगा या फिर एटोमिक स्पेक्टर मिलेगा ओके okay. वही एटोमिक स्पेक्टर मिलेगा ओके नेक्स्ट पॉइंट है कि द डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूस मतलब वो क्या रहेगा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा मतलब ऐसे बैंड्स नहीं मिलेंगे हमें बैंड्स मतलब क्या ये अलग सा बैंड ये अलग सा बैंड ये अलग सा बैंड ओके okay, इस तरीके से नहीं इसमें सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी अगर वन है तो इसके बाद की टू इसके बाद की थ्री इसके बाद की फोर है इसके बाद की फाइव है ऐसा कंटिन्यू कंटिन्यू रहेगा इस तरीके से बैंड नहीं मिलेगी बैंड मतलब क्या इसकी पूरे के पूरे यहाँ पर की जो जितने भी वेव्स हो गए इलेक्ट्रो वेव उसकी एक इसके बाद की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसकी मतलब इस बैंड है उसकी दो इस तरीके से नहीं यहाँ पर इसकी एक यहाँ पर इसकी दो इसकी तीन इसकी चार इसकी पाँच इस तरीके से क्या होगी वेवलेंथ होगी सॉ वेवलेंथ देन फ्रिक्वेंसी होगी ओके फ्रिक्वेंसी होगी मोस्टली फ्रिक्वेंसी होगी वेवलेंथ उल्टी रहती है उसके ओके नेक्स्ट है इसके बाद क्या कहता था uh, कि बोर नाम का uh, एक साइंटिस्ट था उसने थोड़ा सा इसको मतलब एज अ अप्रोच ओके जो फिजिकल अप्रोच रहता है अभी ये तो थेरिस थी थियोरीज तो कुछ भी कह सकती है ओके okay, थियोरीज मतलब क्या ऐसा ऐसा है ऐसा ऐसा है इसी के तरीके से बताया था बट जो एक्चुअल में पॉस्प्युलेट था ओके पॉस्टूलेट था मतलब पॉस्फुलेट मतलब क्या थेरीज लाइक ओके थेरीज के पॉस्युलेट रहते थे उस तरीके से सो so, बोर ने क्या किया बोर ओके बोर ने एक पॉजिवेलिट दिया मतलब उसने जो कहा था उसी उसी के तरीके से कहा कि सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द विद तो कॉन्स्टेंट स्पीड अराउंड द न्यूक्स ओके उसने क्या कहा कि मतलब उसका तो पहला तो ये तो कन्फर्म था कि रूदन फोर्ट का जो मॉडल है वो हाईली एक्सेप्टेड है ओके मतलब क्या एक्सेप्टेड है ओके सो हाईली एक्सेप्टेड को उसने क्या किया उसको सिर्फ मॉडिफाई कर दिया उसने सिर्फ मॉडिफाई कर दिया क्या हुआ था अभी बताता दो रुदरफोर्ट में क्या कहा था रुदरफोर्ट के इसमें क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना तो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज करेगा ओके okay, ऐसा बताया था रुदरफोर्ट ने सो so, अगर कंटिन्यूसली अगर एनर्जी रिलीज किया तो क्या हो जाएगा इसकी एनर्जी कम होती जाएगी कम होती जाएगी कम होती जाएगी एंड फाइनली इट इज फॉल डाउन इन द न्यूक्लियस एंड वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा एंड न्यूक्लियस डजेंट एग्जिट क्योंकि मतलब फॉल डाउन इन न्यूक्लियस हो गया तो पॉजिटिव चार्ज हुआ पर का निगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ कम्बाइन होकर मतलब क्या आइटम अपना आइडेंटिटी लॉस करेगा बट ऐसा नहीं होता है मतलब क्या कि देर इजन जो इसने कहा था रूदर फोर्ट ने ये वाला पॉइंट कि इट इज कंटिन्यूसली लॉस इज एनर्जी ओके ये जो पॉइंट है जिसने इसको ही सिर्फ इसने मॉडिफाई कर दिया ओके सो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द ओके इलेक्ट्रॉन क्या करता है रिवॉल्व करता है विथ दस कॉन्सटेंट स्पीड ये कॉन्स्टेंट तो स्पीड कितनी रहती है ये हम निकाल सकते हैं ओके okay, देखेंगे बाद में सो नेसेसरी ओके आप देखिए इन द सर्कुलर ऑर्बिट में अगर ये रिमोव कर रहा है तो सर्कुलर ऑर्बिट में अगर रिमूव रहा है तो उसको उसको क्या क्या चाहिए उसको चाहिए सेंटिपिटल फोर्स सो सेंटिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा फिर इट विल बी प्रोवाइडेड बाय द कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा सेंटिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा एक इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान में रखिएगा कौन प्रोवाइड करेगा सेंटिपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इम्पॉर्टेंट है ध्यान में रखिए इसको यूज करेंगे यूज यूज करेंगे ओके नेक्स्ट है इसके बाद इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा रिवॉल्व करेगा विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी मतलब वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा जिस तरीके से थॉमसन ने कहा था कि कंटिन्यूसली रेडिएट एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस बट इस तरीके से ये क्या करेगा एनर्जी रिवॉल्व नहीं करेगा एंड इट इज अ मतलब जो कोई भी ऑर्बिट है ओके वो ऑर्बिट हम निकाल सकते कैसे ओके जो कोई भी ऑर्बिट है उसके एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं अब देखिए वेलोसिटी है स्पीड है तो हमें तो पता है एम इंटू वी मतलब क्या है मोमेंटम है सो so, मोमेंटम है इंटू डिस्टेंस है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ओके सेंटरबिटल फोर्स हो या फिर मतलब रिवॉल्यूशन हो या फिर कुछ भी हो तो हम उसको एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं जिस तरीके से आपने ग्रेविटेशन में एंगुलर मोमेंटम निकाला था एम वी आर उसी तरीके से इसका भी है क्योंकि ये प्लानिटरी मोशन के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं है कि नहीं सो इसने इसका मतलब ये था कि इसका कहना ये था कि द एंगुलर मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ओके इलेक्ट्रॉन वू कर रहा है सो so, उसके पास यम है इसके पास वी बी है एंड एट अ डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर, सो यो ये जो वो करेगा इट विल बी एट द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ओके सो मतलब क्या है उसका कहना है कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा ओके एम वी आर विल बी इक्वल टू द एन एच अपन टू पाए मतलब क्या इट इज इंटीग्रन मल्टीपल ऑफ टू एच अपन पाए ओके सो टू एच अपन पाए का एक है इंटीग्रन मल्टीपल है ऐसा इसने बोला था सो so, इसका ये तो इसने बोला था सिर्फ बोला था इसको इसका मतलब कुछ भी नहीं है इसने ऐसा बोला था बट इसको प्रूव भी किया गया है बाद में ओके सो so, प्रूव कैसे किया गया है ये बाद में देखेंगे सो so, आपको ध्यान में रखना है कि एम वी आर इज इक्वल टू एन इन टू एच अपॉन टू पाए ध्यान में रखिए मतलब एन मतलब क्या कौन सी भी ऑर्बिटल ओके सो so, उसके पास उसकी स्पीड आप उसकी स्पीड वहाँ पर की उसकी रेडियस वो जो ऑर्बिटल उसकी रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ये तो पता है आपको मास तो पता है बाकी तो सब कॉन्स्टेंट है ओके ये था नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट क्या कहा गया था कि एनर्जी रेडिएटेड बाय द इलेक्ट्रॉन ओके एनर्जी क्या करेगा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एनर्जी रेडिएट करेगा वेन एवर इट ओके इट विल बी ट्रांसफर और जम्प जम्प फ्रॉम द हायर एनर्जी ऑर्बिटल और टू द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल सो हायर एनर्जी ऑर्बिटल टू लोअर एनर्जी ऑर्बिटल जब कभी भी है एनर्जी रिलीज करेगा सो इट दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन ओके सॉरी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सो इसमें क्या हो सकता है फोटोन हो सकता है यानी कुछ भी हो सकता है ओके सो एनर्जी रिलीज करेगा सो एनर्जी रिलीज करेगा मतलब क्या सपोज ओके okay, सपोज क्या है ये क्या है ई पी ए मतलब एनर्जी एट पहली वाली लेवल ओके एंड ये ई एट एन सो एनर्जी कितनी लिव करेगा ये ओके okay, एनर्जी कितनी रिलीज करेगा ओके okay, एनर्जी कितनी रिलीज करेगा ई पी सॉरी ई एन माइनस ई पी सो ई एन माइनस ई पी ई विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रो मैग्नेटिक एनर्जी सो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक एनर्जी कैसे हम लिखते हैं एच न्यू है, है कि नहीं सो एच न्यू इस तरीके से सो एच न्यू विल बी इक्वल टू ई पी माइनस ई पी सो ये इंपॉर्टेंट है ओके okay, ध्यान में रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है सो so, यहाँ पे यहाँ पे ये, ये बताया हुआ कि बोर एटमिक मॉडल बोर एटेमिक मॉडल ने क्या कहा था कि रूदर फोर्थ मॉडल ओके okay, बोर नील बोर ने क्या किया मॉडिफाइड रूदर मॉडल ओके okay, मॉडिफाइल किया विद अ क्वांटम फिजिक्स का एक पार्ट है ओके सो इसमें सभी बोला था सभी सभी के मतलब जो कोई भी पॉइंट है वही थे ओके okay, इसको लिखने का एक तरीका है मतलब आप आंसर कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा रु� सो वहाँ पर कौन इलेक्ट्रॉनिटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा मतलब इलेक्ट्रॉटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या प्रोवाइड करेगा सेंटीमेटल फोर्स नेक्स्ट पॉइंट था हमने क्या बोला था इट विल, विल बी एंगुलर मोमेंटम उसके बारे में सो एंगुलर मोमेंटम एम वी आर विल बी इक्वल टू द एन एच अपॉन टू पाई ओके सो तो प्लांग कॉन्स्ट एच एच को क्या कहते हैं हम प्लांग कॉन्स्टेंट कहते हैं सो तो अदर थिंग्स थी एंड थर्ड पॉइंट था एनर्जी इज लू ओके एनर्जी इज रिलीज वेन द इलेक्ट्रॉन जम्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिटल टू द लोर एनर्जी ऑर्बिटल एंड दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होने के कारण वो क्या करेगा एक स्पेक्ट्रम तैयार करेगा ओके okay. सो so, ये स्पेक्ट्रम हमने कहां पर देखा था मतलब कहाँ पर बताया गया था रुदरफोर्ड एंड बोर मॉडल में सो so, ये पहला वाला मॉडल ना थॉमसन मॉडल उसमें बताया जाता है क्या नहीं सो so, इसलिए थॉमसन मॉडल का जो डेमिनेट दे, दे, है उसमें क्या था आ, स्पेक्ट्रा था ओके okay. क्लियर so, है स्पेक्ट्रम कहां पे था इसलिए ड्रॉबैक्स ऑफ मतलब ड्रॉबैक ऑफ एंड रुदर सॉरी थॉमसन वहां पे स्पेक्ट्रम का मेंशन नहीं किया था ओके क्लियर है ओके नेक्स्ट देखेंगे हम एनर्जी ओके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या रहती है कैसी रहती है ओके एनर्जी लेवल एनर्जी लेवल ट्रांजिशन बिटवीन द हाइड्रोजन आइटम ओके सो एक और एक और एक बात है ओके okay, सो so बोर आइटम जो आपको पता है बोर ओके सो okay, so बोर आइटम आइटम मॉडल ये सिर्फ हाइड्रोजन लाइक आइटम के लिए ही है मतलब क्या उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा ओके सेंटर में तो कितने भी रहेंगे सेंटर में तो प्रोटॉन कितने भी रह सकते बट सिर्फ वहां पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है मतलब क्या द एटम कस्टी का ओनली वन इलेक्ट्रॉन सो लाइक इट इज लाइक हाइड्रोजन लाइक आइटम सो इट इज ओनली ओके इट इज ओनली अप टू द हाइड्रोजन लाइक वाटर सो हम देखेंगे इसमें किस में मतलब ड्रॉबैक्स ऑफ एंड बोर्स एटमिक वाटर ओके क्लियर है सो बोर एटमिक वाटर के जो तीनों पॉइंट है वो आपको तीन मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं ओके सो इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट है एनर्जी लेवल ट्रांजिशन कि एनर्जी लेवल ट्रांजिशन कैसी रहती है मतलब क्या ये एनर्जी है ओके ओके एनर्जी लेवल्स है अभी देखिए इलेक्ट्रॉन जिस तरीके से ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको आ, मतलब जो प्लानिटरी मोशन है उसके पास आ, क्या क्या रहता है पोटेंशियल एनर्जी रहती है ओके पोटेंशियल एनर्जी रहती है टोटल एनर्जी रहती है सभी मतलब ग्रेविटेशन चैप्टर में जिस तरीके से रहता है उसी तरीके से क्या है यहाँ पर भी सो so, आपको सिर्फ क्या करना है सिर्फ कंपेयर करना है मतलब काइनेटिक एनर्जी हो गया टोटल काइनेटिक एनर्जी टोटल पोटेंशियल एनर्जी टोटल 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 एनर्जी सो इसी तरीके से सो so, यहाँ पे क्या कहा गया है कि एनर्जी लेवल्स कम क्लोजर टू क्लोजर मतलब जब कभी भी एन, आ, एन, एन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जो एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी लेवल क्या होती जाएगी कम होती जाएगी मतलब क्या अब देखिए इसको अब हमने रिप्रेजेंट किया ओके okay. ये जो डायग्राम दिख रहे सो एन इज टू वन एन इज टू टू एन टू थ्री एन टू फोर एनर्जी टू फाइव यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो एनर्जी डिफरेंस है वो कैसा है कम होता जा रहा है सो सक्सेसिव सक्सेसिव ऑर्बिटल के अंदर एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा कम होता जाएगा सो so, सक्सेसिव के अंदर क्या हो जाएगा कम होता जाएगा एंड दिस इज गिवन बाई मतलब एनर्जी के जो रूल रहता है वो कैसे दिया गया पता है जो क्लोजेस्ट है ना क्लोजेस्ट उसकी एनर्जी लेवल क्या है थर्टीन पॉइंट सिक्स ओके टोटल एनर्जी है माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स ओके माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके इतनी है इसको सिर्फ एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना अगर आपने एन स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दिया एन मतलब क्या एन मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर सेकंड में है तो यहाँ पर फोर आ जाएगा सो सेकंड की वैल्यू हो जाएगी माइनस थ्री पॉइंट फोर टोटल एनर्जी बर ना टोटल एनर्जी ओके टोटल एनर्जी ध्यान में रखे टोटल एनर्जी सो इस तरीके से क्या होता है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है मतलब क्या एनर्जी क्या इसमें क्या है गैप है ओके एनर्जी के गैप है अगर इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको दी तो क्या हो जाएगा ये यहाँ से एक्साइट होकर वहां पर जाएगा सो एक्साइटेशन एनर्जी मतलब क्या उसको हायर ऑर्बिटल में जाने के लिए उसको कितनी एनर्जी लगती है उसे कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द राइज द पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी ओके एक्साइटेशन एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी ओके सिमिलरली आइनर्जन एनर्जी एनर्जिशन एनर्जी मतलब क्या फ्राम ल लोअर मोस्ट ओके लोअर मोस्ट कितनी लोअर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो जो इलेक्ट्रॉन रिकॉर्ड नहीं करेगी आपको कितनी एनर्जी लगी उसको क्या कहेंगे आइनर्जन एनर्जी ओके सो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिनिमम मिनिमम अमाउंट ऑफ एन लिए क्या देखा क्या दिया हुआ है आइन एनर्जी ऑफ एन एटम तो मिनिमम अमाउंट ऑफ़ एनर्जी रिक्वायर्ड टू गिव टू एन इलेक्ट्रॉन सो ग्राउंड ओके इन इन द ग्राउंड स्टेट ग्राउंड स्टेट मतलब क्या एन इज इक्वल टू वन सो एन इज इक्ल टू वन में जो इलेक्ट्रॉन है उसको मतलब रिमूव करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगी उसको क्या कहते हैं आइन एशियल एनर्जी ओके लिख सकते हैं आप ओके सो एक डेफिनेशन है एक मार्क के लिए पूछी जा सकती है ओके okay. uh, एक uh, मतलब क्या बताया कि जो हमने थर्ड जो थर्ड थर्ड जो पॉस्टुलेट दिखा था बोर्स आइटम का उसके ऊपर है, है। बोर बोर एनर्जी रिलीज होगी लोअर एनर्जी ऑर्बिटल दिस इज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ओके सो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसके वजह से उसके मतलब ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ओके हम क्या कर सकते हैं उससे हम उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं मतलब कौन से स्पेक्ट्रम में आ सकता है आज वो जो स्पेक्ट्रा रिलीज करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आइदर इज अल्ट्रावायलेट और मतलब क्या कि विजिबल रेंज का या फिर इनफ्राइडे इस तरीके से सो so, एनर्जी रिलीज, रिलीज के ऊपर ही क्या कर सकते हैं हम आ, मतलब स्पेक्ट्रा निकाल सकते हैं ओके बट उसके लिए हमें पहले सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एनर्जी का कैसे निकालेंगे ओके नेक्स्ट उसके बाद हमें तो सब मतलब अदर थिंग्स पता होनी चाहिए सो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला देखिए एनर्जी का फॉर्मूला ये वाला ओके सो एनर्जी का फार्मूला विल बी एम जेड स्क्वेयर ई टू द पावर फोर अपॉन एट एप्सलॉन जीरो ई का स्क्वेयर ओके एच का स्क्वेयर ये है पूरा का पूरा किसका बारे में मतलब आपने टोटल एनर्जी ओके टोटल एनर्जी के बारे में सो माइनस में रहता है सो माइनस में मतलब ये माइनस में नहीं रहता सो so माइनस में टोटल एनर्जी लिखनी लिखते हैं हम ओके विथ रिस्पेक्ट टू द इन्फिनी इसकी एनर्जी क्या है कम है ऐसा लिखते हैं okay? ओके इन्फिनिटी की एनर्जी अगर हमने जीरो ली तो यहाँ पर की एनर्जी माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स से ऐसा लिखते हैं ओके सो नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद इसमें कि ये फार्मूला कैसे आया ये फार्मूला कैसे आया ये भी बता दूंगा पर ध्यान में रखिए सिर्फ कि एन स्क्वायर क्या है नीचे है, और जो मैंने पी लिखा था वहां पर क्या आ जाएगा एम यहाँ पर एम लिया हुआ है ओके सो एनर्जी रिलीज ओके एनर्जी रिलीज मतलब क्या एच न्यू ओके सो ई एन माइनस ई पी है नहीं ई एन माइनस ई पी ये एनर्जी रिलीज होगी सो इसका इसमें से कॉमन निकल जाएगा आपका सो so कॉमन क्या निकल जाएगा एम ई टू द पावर ई जेड ओके जेड मतलब क्या है एटेमिक नंबर सो एटेमिक नंबर रहता है कभी कभी जो हमने बोला था कि हाइड्रोजन लाइक आइटम के लिए यूज होते ओके सो हाइड्रोजन लाइक आइटम हम क्रिएट भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करके सपोज हिलियम हिलियम आइटम है ओके okay, उसमें से हमने अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ईट इज लाइक है हाइड्रोजन आइटम ओके सो उसको हम फार्मूला लगा सकते हैं बट उसमें यहाँ पे सेंट्रीली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज़्यादा हो जाएगा सो so, वहाँ पर थोड़ा सा मतलब जेड की वैल्यू आ जाएगी सो so, देखेंगे वो कैसे आएंगी कैसे नहीं आएंगी अपन एट ओके एट एप्स जीरो एच स्क्वेयर एन स्क्वायेर सो ये एन स्क्वायर आ गया सो यहाँ पर कॉमन आ गया एन स्क्वायर माइनस ऑफ वन अपन एम स्क्वायेयर ओके इसी तरीके से क्लियर है सो <coughs> so, इसमें क्या क्या बताया हुआ है सो so, इसमें क्या बताया हुआ है? So, इसमें क्या बताया हुआ है कि जो ए जो पूरी की पूरी वैल्यू है इसको क्या गया है कि रेडबर्क कॉन्स्टेंट इसको रेडबर्क कॉन्स्टेंट कहा गया है ओके okay, रेडबर्क कॉन्स्टेंट की वैल्यू रहती है वन पॉइंट ओके वन पॉइंट वन जीरो नाइन सेवन और इसको डायरेक्टली ले सकते टें टेंट पॉवर सेवन सॉरी टेंट टू सेवन लिख सकते ओके सो टें पावर सेवन इम्पोर्टेंट पॉइंट है ओके okay? सो so, ये रेडबक कांस्टेंट की वैल्यू सो रेडबक कांस्टेंट इज नथिंग बट दिस इज अकॉल्ड एज रेडबक फार्मूला ओके सो रिमेंबर फॉर दैट रिमेंबर दैट फॉर हाइड्रोजन आइटम जेड इज इकअल टू वन द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ओके आपको दिखाई देगा इक्वेशन में ये वाला इक्वेशन किसके लिए फॉर एनी टाइप ऑफ आइटम ओके एनी टाइप ऑफ आइटम नेक्स्ट है रेडियस कैसे निकालेंगे सो so, हमने बोला था कि एटम तो मतलब रिमूव होता है तो so, रिवॉल्व होता है सो so, इसके हम रेडियस कैसे निकालेंगे सो रेडियस कैसे निकालेंगे तो आपको सिर्फ क्या ध्यान में रखना है तीन लॉज ध्यान में रखने तीन कौन से लॉज रहेंगे पहला मतलब तीन पॉसिबिलिटी कौन से है तो वो देखने फर्स्ट पॉसिबिलिट क्या है इट प्रोवाइड इलेक्ट्रोसैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या प्रोवाइड करेगा क्या प्रोवाइड करेगा मतलब सेंटीप्रिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा सेंटीपीटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है एम वी ओके एंड ओके एम वी स्क्यर बाय आर है नेक्स्ट है सेंटिबिटल फोर्स का मतलब को किसके फॉर्म में करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओके सो वहाँ पर क्या है अगर सपोज ओके जेड की वैल्यू अगर हमने रिप्रेजेंट नहीं की ओके अगर की सपोज नहीं की तो चलेगा सो इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितना है एक है सो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितना है एक ही है सो ये किसके लिए लॉ लॉ ये किसके लिए रह गए सिर्फ हाइड्रोजन लाइक आइटम के लिए रह गए सो ये एक तो इलेक्ट्रॉन का है बट सेंट्रल के पास कितने हो सकते हैं जेड ही रह सकते हैं है कि नहीं प्रोटॉन मतलब प्रोटोन कितने रह सकते हैं जेड एंड प्रोटोन की प्रोटान इंटू टोटल चार्ज कितना रहेगा जेड इंटू ई e. सो so, ई e क्या किसे रिप्रेजेंट कर रहा है चार जाना इलेक्ट्रॉन एंड चार जाना प्रोटॉन ओके सो चार जाना इलेक्ट्रॉन एंड चार जाना प्रोटॉन अब हमें तो फार्मूला पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बीक फोर पॉइंट एप्स वन जीरो एंड टू दू क्यू वन इंटू क्यू टू क्यू वन इंटू क्यू टू इस तरीके से सो क्यू वन की वैल्यू क्या है एक तो है इलेक्ट्रॉन दूसरा है जेड इंटू इलेक्ट्रॉन जेड इंटू इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन सो इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर मतलब क्या स्क्र अपन आर का स्क्वेयर है कि नहीं सो आर का स्क्वेयर आ गया सो आर एंड आर यहाँ पे कैंसिल हो गया सो so, यहाँ पे सिर्फ आर गया क्लियर है ये तो आपका समझ में आ गया नेक्स्ट है वो क्या था एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपन टू पाए सो आप क्या कर सकते यहाँ पे वी की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं ओके वी को आप एक साइड रखिए विल भी इक्वल टू एम इन टू आर एन वी के जगह क्या ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं है कि नहीं सो so, के जगह क्या पुट करेंगे आप एन एच अपॉन 4 फोर एन एच ओपन फोर पाए नहीं एन एच ओपन टू पाए एम इन आर इसको अगर आपने पुट किया है यहाँ पे तो आपका पूरा का पूरा वैल्यू मिल जाएगा आपको डायरेक्टली जो आंसर मिलेगा वो जो होगा आर विल बी इक्वल टू आर ऑफ एन मतलब कौन सा भी एंथ ऑर्बिटल ओके कौन सा भी एंथ ऑर्बिटल ओके उसकी वैल्यू मिलेगी आपको एन स्क्वेयर एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर एप सर जीरो अपन पाए एम ई का स्क्वेयर ओके पाई एम ई का स्क्वेयर सो आप ध्यान में रखिए जब जहाँ का भी ई होगा ई का होगा तो वहां पर जेड आएगा ओके okay. क्योंकि ई e का स्क्वायर मतलब क्या आता है जेड ई इन ई इस तरीके से सो so, ई e का स्क्वायर है तो यहां पर सिर्फ जेड आएगा अगर ई टू द पावर फोर आया तो आपको दिखाएगा बाद में ई टू द पावर फोर आता है तो वहां पर जेड स्क्वायर आता है ओके सो ई टू द पावर स्क्वायर आएगा तो यहां पर यहां पर वही पे वही पे क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा सो so, आपको रेडियस ऑफ द एंथ ऑर्बिटल मिल गई सो so, कौन सा भी एंथ ऑर्बिटल हो उसकी रेडियस क्या है एन स्क्वायर एच स्क्र ऑप्शन जीरो एन स्क्वायर स्क्वायर एप्सरन जीरो अपन एम स्क्वायर ओके क्लियर है ओके सो ये था अपने आर के लिए सो so, अगर आपने आर की वैल्यू ये देखिए आर की वैल्यू आपने डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर दी ओके okay? आर की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट की आपके पास तो आर की वैल्यू मिल गई सो so, अगर आपने आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी कहाँ पे इस फार्मूला में सो so, आपको वी की वैल्यू मिल जाएगी सो वी विल भी इक्वल टू जेड ई का स्क्वेयर ट्वाइस ई एप सेन जीरो एन एच ओके सो सिर्फ आपको यहाँ पर पुट करके देखना है और आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी ओके सो so, फार्मूला आपको रटना नहीं है मैं बता रहा हूँ फार्मूला आपको रटना नहीं है आप लिख सकते बना सकते वही टाइम पर भी बना सकते ओके okay? सो so, आपको टाइम पर ही बनाना होगा सो so, आपको पहला लॉ लगाना होगा क्या इलेक्ट्रॉनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइज द सेंटिमेंटल फोर्स नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट क्या है एंगुलर मोमेंटम विल भी इक्वल टू एनएच अपन फोर पाए ओके सॉरी एन एच अपन टू पाए ओके इस तरीके से ओके okay, आपने जो इस तरीके से अगर क्लियर रख दिया तो आपका आंसर आ जाएगा ओके okay? सो so, uh, n की वैल्यू अगर वन रखी सपोज हमने n की वैल्यू अगर वन रखी यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि r की वैल्यू क्या है ओके okay, r की वैल्यू क्या है n स्क्वायर एच स्क्वायर आप सब जो अपन पाएम ही जेड स्क्वायर ओके सो इसमें क्या क्या कॉन्स्टेंट है n n को छोड़ के बाकी सब कॉन्स्टेंट है सो so, बाकी सब कॉन्स्टेंट है तो इसकी वैल्यू अगर कॉन्स्टेंट रहेगी है कि नहीं सो so, इसकी वैल्यू भी कॉन्स्टेंट रहेगी मतलब सो so ये जो आर का फॉर्मूला है इसमें देखिए ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू क्या है कॉन्स्टेंट है ओके okay. सो so, जेड को अगर निकाल दिया जेड को अगर हमने कर दिया सो so पूरी की पूरी वैल्यू क्या है कॉन्स्टेंट है सो कॉन्स्टेंट वैल्यू को हम निकाल सकते लिख सकते हैं सो फॉर जेड इज इक्वल टू वन ओके फॉर जेड की वैल्यू अगर हमने कन्वीनियंटली अगर वन ली सो यहाँ पर एन एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा सो एन स्क् एन स्क्वायर को अगर हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया इसके बाद इसकी जो वैल्यू है so, सो हम तो वैल्यू तो निकाल नहीं सकते ना मतलब एक बार अगर हमने इसकी वैल्यू ध्यान में रख दी सो so, सिर्फ उसको क्या करना है एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है है नहीं सो अगर उसको हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया एन स्क्वायर से तो हमें डायरेक्टली कौन से भी रेडियस की हमें क्या मिल कौन से भी एनर्जी लेवल की हमें रेडियस मिल जाएगी सो so, जो आर है उसकी वैल्यू आती है मतलब आर को छोड़ के अगर वैल्यू मिलेगी ओके सो आर को अगर छोड़ दिया तो उसकी वैल्यू मिलेगी हमें जीरो पॉइंट जीरो फाइव थ्री नाइनोमीटर ओके जीरो पॉइंट जीरो फाइव थ्री नाइनोमीटर और आप इसे भी लिख सकते हैं जीरो पॉइंट जीरो फाइव थ्री ओके जीरो पॉइंट जीरो फाइव थ्री नाइनोमीटर ओके इस तरीके से क्लियर है ओके सो दिस विल बी फॉर आर इजिकल टू वन भी हो सकता है, है कि नहीं तो so, मतलब क्या है यहाँ पर एन की जगह एन की जगह आपने वन रख दिया एंड जेड की जगह आपने वन रख दिया तो जो आपको फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको डायरेक्टली आर 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 की वैल्यू मिलेगी फॉर द फर्स्ट ऑर्बिटर सो उसको सिर्फ डायरेक्टली एन स्कोर से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया वो तो ओके okay, तो आपको क्या मिल जाएगा रेडियस ऑफ द डिफरेंट लेवल ओके उसी तरीके से क्या है अपना वो वेरासिटी uh, है वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा उसमें भी आपको मतलब कॉन्स्टेंट वैल्यूज है ओके okay, सो so ये भी आप खुद से निकाल कर देखिए ओके okay, और मुझे बताइए ओके कमेंट में कमेंट में आंसर लिख दीजिए अगर वो आपका आंसर करेक्ट होगा तो मैं वहाँ पे ओके अगर आपका आंसर गलत हुआ तो मैं वहाँ पे उसका करेक्ट आंसर दे दूंगा सो आप खुद से ट्राई करके देखिए ओके तो आपको ध्यान में भी रहेगा नेक्स्ट है इसके बाद एनर्जी लेवल एनर्जी मतलब क्या है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं पोटेंशियल एनर्जी एंड एन काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से ओके सो ये जो आपने ये फार्मूला कर लिखा है सो इसमें कैसे कैसे पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा सो आपको पोटेंशियल एनर्जी तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू वोल्टेज इनटू द मतलब वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इनटू द चार्ज है कि नहीं सो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज उसी उसको यूज़ करके हम कर सकते हैं और नेक्स्ट है uh, कि जो इलेक्ट्रॉन रूव मूव कर रहा है उसमें जो एम वी स्क्वेयर बाय आर है एम वी स्क्र बाय आर क्या आ रहा है वन अपन फोर फाइव एप्सोलन जीरो ओके वन अपॉन फोर फाइव एफ्सोलन जीरो जेड ई का स्क्वेयर अपन आर स्क्वेयर ये आ रहा था हमारा है कि नहीं सो so, इसमें क्या देखिए कि एम वी स्क्वेयर है सो एम वी स्क्वेयर इसको सिर्फ वन बाय टू से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया ओके वन बाई टू से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिया कर दिया आपने दोनों साइड वन बाय टू से मल्टीप्लाई तो आपको क्या मिलेगा वन बाई टू से मल्टीप्लाई करने के बाद ये है काइनेटिक एनर्जी ये है क्या काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर भी कहा जाएगा कॉनेटिक एनर्जी सो वन अपॉन एट पाई जेड का स्क्वेयर अपॉन फोर पाए ये आर की वैल्यू ओके आर की जगह आर की वैल्यू फिर से पुट करके देखिए मैं समझ रहा हूँ आपको क्या कर क्या मतलब मैंने क्या बताया है आपको तो बताया एम वी स्क्वेयर बाय आर ई क्या करेगा सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा इन द फॉर्म ऑफ वन अपन फोर पाई एफसेलन जीरो जेड ई का स्क्वेयर अपॉन आर का स्क्वेयर ये आर यहाँ पर का ये आर यहाँ पर का कट गया सो so, आर की जगह आर की वैल्यू पुट करेंगे क्या पुट करेंगे एन स्क्वायर एच स्क्र एफसेलन जीरो अपन पाए एम स्क्वेयर था वो ऊपर गया पाए एम ई का स्क्वेयर ये ऊपर गया ठीक है नहीं पाई एम ई जेड ई का स्क्वायर की जगह क्या रहता है जेड रहता है सो so, इस तरीके से सो so, अगर अगर हमने यहां पर वन बाय टू से मल्टीप्लाई कर, कर दिया और so, यहाँ पर वन बाय टू से मल्टीप्लाई कर दिया सो वन बाय टू एम ई स्क्र मतलब क्या रहता है काइनेटिक एनर्जी सो so, वन बाय टू एम ई स्क्र मतलब काइनेटिक एनर्जी सो so, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू वन पॉइंट एट ओके पाई पाए यहाँ पर कैंसिल हो गया जेड स्क्वायर ई स्का ई टू द पावर फोर एम 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 आ गया एम ई टू पावर फोर एंड नीचे क्या रह गया एन एन स्क्वायर एच स्क्वायर ऑप्शन जीरो ओके okay? सो so, इस तरीके से आपका क्या मिल गया टोटल काइनेटिक एनर्जी मिलगी सो काइनेटिक एनर्जी जितनी रहती है ओके okay? अभी तो हमें तो पता है कानेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जितनी रहती है उतनी ही क्या रहती है उतनी ही निगेटिव में क्या रहती है टोटल एनर्जी रहती है टोटल एनर्जी ओके सो काइनेटिक एनर्जी जितनी रहती है उतनी ही निगेटिव में क्या रहती है टोटल एनर्जी सिर्फ आपको क्या करना है काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ माइनस का साइड लगा देना है ओके okay? सो so, फार्मूला क्या आ जाएगा माइनस वन पॉइंट एट और जो ये वाला फार्मूला ओके okay? इस तरीके से ये वाला फार्मूला ओके okay, क्लियर है नेक्स्ट okay, uh, है टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ऑफ टोटल एनर्जी ओके सॉरी पोटेंशियल एनर्जी रह गया पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी सॉरी टोटल एनर्जी क्लियर है सो इस तरीके से मतलब क्या है मतलब टू से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो वन बाई एट था सो वन बाई फोर इस तरीके से ओके okay, सो so था ये था टोटल एनर्जी के बारे में नेक्स्ट देखेंगे हम ड्रॉबैक्स मतलब लिमिटेशन लिमिटेशन फर्स्ट लिमिटेशन क्या है ओके फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि इट इज फॉर ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम ओके सो आप बता सकते हैं यहाँ पे इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ओके सो दे आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्ट्रा इमिशन स्पेक्ट्रा लाइन स्पेक्ट्रा बैंड स्पेक्ट्रा ओके सो ये लाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं करेगा क्योंकि लाइन स्पेक्ट्रा सिर्फ कहाँ पर रहता है हाइड्रोजन लाइक आटम में नहीं रहता है ओके इट इज नॉट शीन इन हाइड्रोजन लाइक आटम सो लाइन स्पेक्ट्रा नहीं रहेगा सो so, और बोर मैटर किसके ऊपर डिपेंड है हाइड्रोजन लाइक आटम के ऊपर ही नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ द मिशन ये भी नहीं बताया हुआ है ओके अदर एंड थेटिकल साइड है इसमें थोड़ी बहुत मतलब क्या है कि uh, जो सेकंड पॉसिबिलिट था उसका कोई भी रिलेशन भी नहीं दिया है मतलब सेकंड पॉसिबिलिट ऐसा ही लिया है कि एम वी आर विल बी कोल्ड एन एच अपन टू पाई ये कैसे लिया ये भी नहीं बताया था ना उसने सो so, यही ये, ये चीज़ें वो उसने बताई नहीं थी इसलिए मतलब क्या है उसका मतलब uh, क्या कह सकते हैं कि इट इज़ डिनाइड ओके ड्रॉबैक नेक्स्ट था डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन क्या है डी ब्रॉगली सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ओके डी ब्रॉगली वेव लेंथ क्या रहता है क्या रहता है ओके okay, हमें तो ये तो पता है सो so, ये हमें पता है कि आ, पार्टिकल के पास क्या रहता है नेचर रहता है टू टाइप्स लाइक इट हैज अ वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर मतलब क्या कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो उसके पास दोनों नेचर रहते हैं या इधर पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर मतलब ये भी बताया हुआ कि पार्टिकल नेचर किससे किससे समझ में आता है हमें पार्टिकल नेचर इज लाइक कि uh, मतलब सनलाइट और लाइट ओके लाइट रेज है पार्टिकल नेचर पार्टिकल नेचर किससे समझ में आया था आया था स्कैटरिंग ऑफ लाइट से स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या बताता है कि वेव्स वेव्स ओके हैज अ पार्टिकल नेचर तो अगर वेव, वेव के पास पार्टिकल नेचर है तो पार्टिकल के पास क्या वेव नेचर हो सकता है सो so, ये लगाया था दिमाग किसने डिब्रोकली ने सो डिब्रोकली ने. So, ने ये बताया था कि पार्टिकल के पास क्या है वेव नेचर है सो so, सो so, पार्टिकल मतलब क्या एक मैटर है सो so, मैटर के पास क्या है सो दिस आर कॉल्ड एज मैटर वेव सो so, वेव, so, वेव

वो क्या करता है वेवरेट जनरेट मतलब व, व, वेव जनरेट करता है सो so, वो वेवलेंथ की वैल्यू क्या रहेगी मतलब वेवलेंथ कैसी रहेगी सो so, ये बताया होगा कि वेवलेंथ की वैल्यू मतलब एकदम निगलिजिबन रहेगी मतलब निगलिजेबन मतलब इतनी बत, मतलब बहुत छोटी रहेगी सो so, ये छोटी कितनी रहेगी सो इट इज अबाउट वन पॉइंट सिक्स फाइव एम स्ट्रांग ओके इतनी छोटी रहेगी so, uh, okay. इतनी छोटी रहेगी रहे तो इसके लिए uh, मतलब ये किसके साथ एसोसिएटेड होगी सो इट विल भी एसोसिएटेड विद द स्मॉल पार्टिकल इट विल भी विद द स्मॉल पार्टिकल विद अ हाई स्पीड ओके okay. ऐसा कोई है क्या जिसके पास एकदम लार्ज है और उसके पास हाई स्पीड है नहीं है सो स्मॉल पार्टिकल है कौन है जैसे कि इले इलेक्ट्रॉन है ओके okay. इलेक्ट्रॉन के पास क्या है एकदम हाई स्पीड है ओके सो हाई स्पीड है अबाउट टेन टू पावर मैंने आपको वेलोसिटी का रिलेशन मतलब वेलोसिटी वेलोसिटी के के जिस तरीके से हमने रेडियस का आंसर निकाला था उस तरीके से आपको वेलोसिटी का आंसर निकालने का बोला है सो उसके पास जो वैल्यू मिलेगी आपको टेन टू पावर सिक्स के अराउंड मिलेगी सो स्पीड टेन टू पावर सिक्स मीटर पर सेकंड इट इज अ हाई स्पीड सो वेन द पार्टिकल मूव हाई स्पीड इज इट इटिट्स द क्या भी इमिट करेगा वो, वो इट विल वेव नेचर सो so, इसको डी एक्सप्लेन किया था किसने डी ने सो so, इसको तो एक्सप्लेन किया था डी डिब्रॉगली ने सो so, इसने क्या बताया था कि द ओके सो पार्टिकल ओके मूव इन द ओन ओनली दो ऑर्बिट ओके सो पार्टिकल क्या करेगा वो ओनली दो ऑर्बिट में मूव करेगा जहां पर के जहां पर जो सरकम परस है मतलब क्या वहां पर आगे अभी देखिए वो अगर क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट में अगर मूव कर रहा है

मतलब क्या हो, अगर जो वो अगर जो पार्ट डिफरेंस रहेगा वो अगर एन लेमरा के फॉर्म में होगा तो वो सो कहने का मतलब ये है कि जब वेनेवर द इलेक्ट्रॉन मूव्स ओके वेवर द इलेक्ट्रॉन मूव्स इट विल बी फॉर्म इन द इट विल बी फॉर्म द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सो ये फार्मेव हो गए सो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स एंड स्टेशनरी वेव्स कब एक्सिट करेंगे ए, मतलब एग्जिस्ट करेंगे सो दिस वेव ओनली एग्जिस्ट वेनेवर इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन लेमरा ओके जो कि भी जो कि भी पार्ट डिफरेंस होगा अगर एन लेमरा होगा तभी एग्जिस्ट करेंगे सो पार्ट डिफरेंस क्या है टू पाई आर मतलब क्या है कौन सा भी इलेक्ट्रॉन इन द दर्थ ऑर्बिटल एन तो में अगर मूव करेगा सो so, टू पाई आर वो क्या रहेगा उसका सरकम्फरेंस रहेगा सरकम्फरेंस में देखा पार्ट डिफरेंस पाथ डिफरेंस विल बीवल टू टू पाई आर विल बी टू एन एमला ओके इसको अगर आपने कंपेयर किया सो एन विल बी इक्वल टू टू पाई आर अपॉन एन ओके इसको अगर आपने देखा सो so अगर इसको आपने अगर फिर से पुट किया अगर मतलब इसको अगर आपने आगे पुट किया ओके सो अगर इसमें आपको मतलब थोड़ा सा कि मोमेंटम के फॉर्म में अगर लिखा मोमेंटम मतलब क्या रहता है एम इंटू वी इंटू आर एम इंटू वी इंटू आर ये बताया था विच विच इज equal टू विच ये क्या बताया था ट्वाइस ओके एन एच ओपन फोर ये बताया था किसने बताया था मतलब अपना बोर ने बताया था सो uh, मतलब <coughs> so, बोर ने ये बताया था सो इसमें आप देखिए यहाँ पर r है सो यहाँ पर आ है सो आर को क्या कर सकते हैं हम मतलब एम इंटू वी मतलब क्या है पी ए मोमेंटम पी है ओके सो आर की जगह हमने क्या लिख सकते ये आर है सो ये पी आ गए नीचे सो so, ये आपको यहाँ पर पुट कर सकते so, हैं सो लैमड़ा की वैल्यू क्या मिलेगी हमें फिर लैमड़ा विल बी इक्वल टू तो एच अपॉन एम इन टू वी ओके okay, वो कैंसिल हो जाएगा आ, पाई पाई कैंसिल हो हो जाएगा आ, तो कैंसल हो जाएगा अदर थिंग्स कैंसिल आपको मिल जाएगा एच अपॉन एम वी सो so, एच अपॉन एम वी मतलब क्या है एच अपॉन क्या रहेगा पी सो सो लैमड़ा ओके वेनेवर ओके द पर्टिकुलर ओके ओकेवर द पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एसोसिएट विद द मतलब वो अगर उसके पास मोमेंटम है मोमेंटम मतलब क्या है पी है so, so, मोमेंट मतलब क्या उसके पास वेलोसिटी एंड मास है ओके सो वेलोसिटी एंड मास है वो क्या करेगा इट विल बी एम इन वी सो लैमड़ा ओके जो डिब्रोकली वेवलेंथ होगी एसोसिएट विद द एनी मूविंग ऑर्बिटल विल बी गिवन बाय एच अपॉन पी मतलब क्या है एच अपॉन मोमेंटअप सो ये तो मोमेंटम बताइए इक्वल टू वन अपॉन एम इन वी सो मतलब क्या है लैमड़ा की वैल्यू ज्यादा रहेगी सो so, ज्यादा ज्यादा कब रहेगी वेनियवर द वेलोसिटी इज लो ओके द वेलोसिटी इज लो उसके पास मतलब वेलोसिटी इज हाई तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें ज़्यादा मिलेगी ओके एन की वैल्यू अगर कम रही तो मतलब ये दोनों एक, एक दूसरे के साथ कॉम्पेसेट करेंगे वेलोसिटी ज़्यादा चाहिए एंड मास कम चाहिए मास ज़्यादा है एंड वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये वैल्यू एकदम लो आएगी मास मास ज़्यादा है तो उसके पास अगर वेलोसिटी कम है तो वो तो भी ये वैल्यू ज़्यादा आएगी बट अगर मास कम है एंड वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये कॉम्पेसेट करेंगे दूसरे के साथ एंड लैमड़ा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी मैक्सिमम मिलेगी सो ये बताया हुआ था डी डीब्रॉगली के डी डिप्रोगली ने कि कि मूविंग पार्टिकल ओके मूविंग पार्टिकल हैविंग ओके मूविंग पार्टिकल हैविंग द पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ वेव्स सो दिस कॉल्ड एज मैटर वेव एंड दिस इज गिवन बाय द वेवलेंथ ऑफ दिस मैटर वेव इज गिवन बाय लैम्डा ओके लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन क्या एच अपॉन पी ओके पी मतलब क्या मोमेंटम सो यह था अपना जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का चैप्टर ओके सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का चैप्टर है उसको आप पूरी तरीके कि से देख लीजिए ओके सो okay. so, ये एकदम ईजी चैप्टर है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बोर ऑर्बिटल है एंड मतलब बोर ऑर्बिटल पॉस्टुलेट है एंड आपको अगर पाँच मार्क का अगर क्वेश्चन पूछा तो उसमें आपको ऐड करके क्या पूछा सकता है आर की वैल्यू निकालो मतलब व्हाट इज द आर की आर कैसे निकाल सकते हैं ओके आर का फार्मूला निकालो एंड वेलोसिटी ऑफ द फार्मूला और उसके uh, अगर आपको लगा तो उसमें थोड़ा सा uh, मतलब उसकी वैल्यूज भी पूछा सकती है कि आर की आर 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 मतलब फोर ऑर्बिटल की आपको रेडियस निकालनी है इस तरीके से ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखते रहिए अपने चैनल को मिलते हैं बाय बाय